यहाँ इस जगह पे देखो कपल्स बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट के ठीक ऊपर में आप देख सकते हो एक रूम है और इसको जो है बकायदा भाड़ा में दिया जाता है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। ये रहा बच्चों का चिल्ड्रेन पार्क। वैसे तो पिकनिक का सीजन अभी तक खत्म हुआ नहीं है और फरवरी का महीना आने ही वाला है। फरवरी का महीना मतलब कि वैलेंटाइन डे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा व्लॉग बनाया जाए जिसमें पिकनिक और वैलेंटाइन डे दोनों ही कवर हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं पहुंच जाता हूं बनपुर नेहरू पार्क, जिसे आप लोग लेमिया पार्क के नाम से भी जानते हो, जो कि बनपुर में सिचुएटेड है और बहुत सारे लोग इसे आसनसोल में भी जानते हैं कि सिचुएटेड है। तो आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, आपको कितना टिकट फेयर पड़ेगा और यहाँ पे आके पार्किंग जोन क्या होगा, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, फलाना ढिमकाना A to Z सभी कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपका भाई सिद्धार्थ इस ब्लॉग में कवर करने वाला है। तो चलो चलते हैं साथ में और करते हैं एक्सप्लोर। ये पार्क बनपुर रिवर साइड में सिचुएटेड है, जिसे हम लोग नेहरू पार्क या लेमिया पार्क के नाम से भी जानते हैं। आसनसोल से इसकी दूरी 10 किलोमीटर और बनपुर से लगभग 6.5 किलोमीटर है। अगर आप आसनसोल से आना चाहते हो तो आपको आसनसोल बस स्टैंड से बनपुर रिवर साइड का बस पकड़ना पड़ेगा। वहीं आप बनपुर से आते हो तो बनपुर बस स्टैंड से बस पकड़ना पड़ेगा। वैसे आसनसोल और बनपुर से बहुत सारी टोटो गाड़ियां मिल जाएगी, जिसे आप रिजर्व करके भी आ सकते हो, और अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इस पार्क में एंट्री करने के लिए आपको टिकट कटवाना पड़ेगा और पर पर्सन जो है 35 रुपये करके चार्जेस है। पहले इसका चार्जेस जो है वो 25 रुपये करके था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंगल ही हूँ इसीलिए मैंने 35 रुपये का एक टिकट ले लिया है। और फिलहाल चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर जो है वो करते हैं। जैसे ही आप इस पार्क में एंट्री करते हो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ गार्डनिंग है, बहुत सारे ट्रीज लगे पड़े हैं और आपको इधर से भी जाने का रास्ता मिलेगा, इधर से भी रास्ता है और इस साइड से जाते हो तो इस साइड से भी आपको जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग पहले इस रास्ते से होकर अंदर चलते हैं और आप लोगों को सभी कुछ दिखाते हैं। ये पार्क इतना बड़ा है कि अगर आप 2-4 बार आओगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा वे कौन सा रास्ता जो है वो किस साइड में होकर के जाता है, क्योंकि ये पार्क है ही इतना बड़ा। बहुत बड़े एरिया में ये पार्क जो है वो काफ़ी फैला हुआ है। काफ़ी सारे फैमिलीज लोग जो है वो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। पिकनिक मनाने जा रहे हैं ना भैया? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं बनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, बनपुर से रहने वाले हैं। इस पार्क में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जगह जगह पे जो है वो पानी का व्यवस्था देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी और जल, पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है और ये पीने का पानी है। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह जगह पे आपको बहुत सारे नल देखने को मिल जाएंगे जिससे पानी जो है पीने का आता है। वैसे तो ये पार्क पूरा कपल्स के लिए ही बना हुआ है, लेकिन 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 बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे खास तौर से कपल्स का जगह बनाया गया है, मतलब कि वहाँ पे कपल्स आते हैं बैठते हैं और उनको कोई भी परेशान नहीं करता। तो फिलहाल मैं पहले आप लोगों को वही दिखाने वाला हूँ कि कपल्स का एरिया क्या होने वाला है, कैसा है, उसके बाद फिर मैं चलूँगा चिल्ड्रेन पार्क और उसके बाद फिर बोटिंग वगैरह क्या क्या है सारा कुछ जो है इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ इस जगह पे देखो कपल्स बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कपल्स के बैठने के लिए जगह बनाए गए हैं और चारों तरफ आप नज़र घुमा के देखो सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे और यहीं पे कपल्स लोग जो है इजीली आराम से बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। नेहरू पार्क के बगल से ही आपको दामोदर रिवर देखने को मिल जाएगी, मतलब दामोदर रिवर जो है इसके बगल से ही क्रॉस करती है। और यहाँ पे आप क्राउड देखो, यहाँ पे भीड़ भाड़ देखो फैमिलीज़ का, और यहाँ पे सभी लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ का नज़ारा देखो आप, ऐसा लग रहा है मानो कि कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, मतलब कि शादी वगैरह या फिर हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ ऐसा मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिकनिक मनाया जा रहा है और पिकनिक के वजह से ही सारे लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ चिल्ड्रेन पार्क पे और यहाँ का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि छोटे मोटे ढेर सारे राइड है और यहाँ पे चिल्ड्रेन के लिए बहुत ही साफ सुथरा सा एक ग्राउंड बनाया गया है, जो कि अभी मैं आप लोगों को बारीकी से दिखा देता हूँ। तो ये रहा बच्चों का चिल्ड्रेन पार्क, जहाँ पर ढेर सारे फैमिलीज़ और ढेर सारे चिल्ड्रेन हैं जहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप नज़र घुमा के देखो तो एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जिसको बहुत ही वेल मेंटेन किया गया है। चिल्ड्रेन पार्क में आप देख सकते हो यहाँ पर झूला भी
लगा हुआ है जिसमें बच्चे और बड़े लोग भी काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे ये राइड भी ले सकते हैं और बड़े भी ये राइड ले सकते हैं। और अगर आप इसको लेते हो तो बगल में ही आप देख सकते हो यहाँ इस जगह पर टिकट काउंटर है, तो आपको टिकट कटवाना पड़ेगा बाकायदा। 30 से 35 रुपए इसका चार्जेस जो है आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ इस जगह पे देखो बच्चों के लिए स्लाइडर बनाया गया है और बच्चे जो है काफी ज्यादा यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल बगल में ही आपको बुल राइड भी देखने को मिल जाएगा, जिसके मजा जो है बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। और अगर इसके टिकट प्राइस के बारे में बात करें तो 50 रुपये लगेगा और 2 मिनट तक इसे घुमाया जाएगा। इस बुल राइड में सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये बुल जो है आपको गिराने की कोशिश करेगा और आपको गिरना नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से आप इसका एंजॉय कर सकते हो। अगर इस पार्क में आपको घूमते फिरते भूख लग जाती है तो बाकायदा इस पार्क के अंदर में एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती है। जस्ट लाइक आपको रोल, पुलाव, बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें, एक कड़ी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। तो चलो क्या क्या मिलने वाला है इस रेस्टोरेंट में वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो अंदर रेस्टोरेंट का कुछ इस तरीके से नज़ारा है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे चेयर टेबल जो है यहाँ पे लगाए गए हैं और हर टेबल पे आपको यहाँ पे मेनू देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसमें मेंशन किया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और देख सकते हो इसका चार्जेस। और इस रेस्टोरेंट के ठीक ऊपर में आप देख सकते हो एक रूम है, मतलब कि कॉन्फ्रेंस रूम है, और इसको जो है बकायदा भाड़ा में दिया जाता है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। अगर आप किसी ओकेजन के पर्पज़ से इसे बुक करना चाहते हो, लाइक बर्थडे पार्टी हुआ या फिर किसी प्रोग्राम फंक्शन से, तो आप इसे बुक कर सकते हो। लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में ही बुक करना पड़ेगा, रात के टाइम में बुक नहीं होगा, सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। और अगर इसके भाड़े की बात करें तो इसका भाड़ा एक दिन का 5,500 रुपये चार्ज लगेगा। यहाँ पर छोटे छोटे ढेर सारे प्लांटेशन किए गए हैं जिनमें बहुत तरह तरह के फ्लावर हैं और काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे फ्लावर जो है प्लांटेशन किया गया है, लगाया गया है। इस पार्क के अंदर में आपको बोटिंग का भी एक बहुत ही प्यारा सा लोकेशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ढेर सारे बोट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ के अगर बोटिंग रेट चार्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बोट का 100 रुपये लगेगा और आपको 15 मिनट दिया जाएगा, बाकायदा 15 मिनट के अंदर आपको घूम के आना पड़ेगा। एक बोट में आप 2 जन भी जा सकते हो और मैक्सिमम आप 4 लोग जा सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए मैजिक कार भी लगाया गया है, मतलब कि यहाँ पे आके बच्चे मैजिक कार का एंजॉय कर सकते हैं। और अगर इसके टिकट के बारे में मैं आपको बताऊँ तो पर पर्सन, मतलब कि एक बच्चा 30 रुपये, मतलब कि एक गाड़ी का जो है वो 60 रुपये करके पड़ने वाला है और बाकायदा 3 मिनट जो है वो घुमाया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को इस पार्क के जू जोन एरिया में लेकर के आ चुका हूं, जहां पे आपको ढेर सारे तरह तरह के बर्ड्स वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे। सारे लोग जू जोन का मजा ले रहे हैं, मतलब चिड़िया घर का मजा ले रहे हैं। और इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोर है, काफ़ी खूबसूरत सा और प्यारा सा मोर है। ये एक मोर नहीं है, नीचे में एक और मोर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाइब्रिड की कुछ मुर्गियाँ देखने को मिल जाएगी, जो कि ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, बहुत ऊँचे खानदान की मुर्गी है, देख के ही आपको समझ आ रहा होगा। इस चिड़ियाघर में आपको ऑस्ट्रिच भी देखने को मिल जाएगा और इस चिड़ियाघर में टोटल 3 ऑस्ट्रिच है, 2 यहाँ पे हैं, एक उस साइड में आप देख सकते हो बैठी हुई है। और इसको भी देखने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह जो है वो क्लिक करवा रहे हैं। ये जितने सारे भी लोकेशन देख रहे हो, जितने सारे भी एरियाज़ देख रहे हो, सारे के सारे कपल्स के लिए बनाए गए हैं और यहाँ पर कपल्स ही रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक कपल शायद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इससे प्यारा और इससे सुंदर लोकेशन क्या ही हो सकता है कपल्स के लिए। नेहरू पार्क के सबसे साइड वाले, सबसे कोने वाले एरिए पे मैं फ़िलहाल अभी पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे यहां पे आप देख सकते हो ख़राब सा एक प्लेन पड़ा हुआ है, जो कि रियल प्लेन है, रियलिस्टिक प्लेन है। काफ़ी सारे बच्चे इस प्लेन में खेलने के लिए भी आते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रील्स वगैरह बनाते हैं और फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करते हैं। मैंने सेफ्टी मस्ट तो सुना था और इन भाई साहब को देखो, ये हेलमेट लगा के प्लेन का राइड ले रहे हैं, सेफ्टी पर्पज़ से ना। अगर आप बस या टोटो से आते हो तब तो पार्किंग का कोई झमेला ही नहीं, वहीं आप अगर पर्सनल व्हीकल से आते हो तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है जो कि बिल्कुल सेफ है।
यहाँ बाइक पार्किंग का 25 रुपए और कार पार्किंग का 50 रुपए चार्जेस है। हाँ जी भाई साहब, तो सभी प्यार और रिश्ते के नाते मैं आप लोगों को सभी कुछ जो है यहाँ का इन्फॉर्मेशन दिखा दिया, बता दिया। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ लेना। मैं रिप्लाई देता ही देता हूँ और आपको रिप्लाई दूंगा ही, क्योंकि आफ्टर ऑल आप मेरे फैमिली हो, भाई बहन हो। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग जो है यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग? इफ़ यू गाइज लाइक दिस व्लॉग देन मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे safe and be happy.